asalamu As alaikum students how are you all students it's our third lecture today and uh, we'll start reading from here we left here in our last lecture if you do remember so take out your english textbooks and start reading with me all interest and usurious dues accruing from the times of ignorance stand wiped out तमाम सूद और सूदी रकूम जो कि जमाने जहलीत से वसूल की जा रही थी अब ख़त्म की जाती हैं वाइपड आउट खत्म करना इंट्रस्ट सूद यूरियस यु सूदी यूरियस यु ड्यूस सूदी रकूम अक्रोइंग हासिल करना या वसूल करना तमाम सूद और सूदी रकूम जो कि जमाने जहलीत से वसूल की जा रही थी अब खत्म की जाती हैं एंड द फर्स्ट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दैट आई रिमिट इज़ देट विच अब्बास इबन अब्दुलमतलब हैड टू रिसीव और पहली सूद की रकम जो मैं माफ़ करता हूँ वो वो है जिसे अब्बास अब्दुल मुतलिब ने वसूल करना था अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट सूद की रकम रकम रिमिट माफ़ करता हूँ रिसीव वसूल करना था वेरिली बिलाशुबा इट इज़ रिमिटेड इटायरली इसे मुकम्मल तौर पर माफ़ किया जाता है रिमिटेड माफ़ किया जाता है इन मुकम्मल तौर पर ओ पीपल ए लोगो वेरीली बिलाशुबा योर ब्लड योर प्रॉपर्टी एंड योर ऑनर आर सेक्रेड एंड इन वायलेबल लोगो बिलाशुबा तुम्हारा खून तुम्हारी जायदाद और तुम्हारी इज़्ज़त मुक़द्दस और काबिल एहतराम है अनटिल यू अपेयर बिफोर योर लॉर्ड जब तक कि तुम अपने रब के सामने हाजिर नहीं हो जाते सक्रेड मुक़दस इन्वाइलेबल काबिल एहतराम ब्लड खून, प्रॉपर्टी जायदाद ऑनर इज़्ज़त, ए लोगो बिलाशुबा तुम्हारा खून तुम्हारी जायदाद और तुम्हारी इज़्ज़त मुक़दस औरबिल एहतराम एतर, है जब तक तुम अपने रब के सामने पेश नहीं हो जाते अपेयर पेश होना या हाजिर होना एज दट इन्वॉलेबलिटी ऑफ दिस डे ऑफ योर्स दिस मंथ ऑफ योर्स एंड दिस वेरी टाउन ऑफ योर्स जैसा कि तुम्हारे इस दिन तुम्हारे इस महीने और तुम्हारे इस शहर की हरमत है सक्रेड इनवाबलिटी हरमत वेरिली बिलाशुबा यू विल सोन मीट योर लॉर्ड बिलाशुबा जल्द ही तुम अपने रब से मिलोगे एंड यू विल बी हैल्ड आंसरेबल फॉर योर एक्शंस और तुम अपने अमाल अप, के जिम्मेदार हों जवाब दे होंगे आंसरेबल जवाब दे एक्शंस अमाल ट्रीट द वुमेन काइंडली औरतों के साथ नरमी से पेश आओ ट्रीट का मतलब है पेश आना सिंस दे आर योर हेल्पर्स चूंकि वह तुम्हारी मददगार हैं एंड नॉट इन अ पोजिशन टू मैनेज देयर अफेयर्स दैमसेल्व और वह अपने मामलों को खुद नहीं सुलझा सकती अफेयर्स मामला मैनेज का मतलब है उनको सुलझाना या उनका इंतज़ाम करना फेयर अल्लाह कंसर्निंग वमेन औरतों के मुतलक अल्लाह से डरो फेयर का मतलब है डरना कंसर्निंग मुतक फ़ॉर वेरीली यू हैव टेक ऑन द सक्योरिटी ऑफ़ अल्लाह क्योंकि बिला शुबा तुम ने उन्हें अल्लाह की जमानत पर लिया है सिक्योरिटी जमानत एंड हैव मेड देयर पर्सन लॉफुल आन टू यू बाई वर्ड्स ऑफ अल्लाह और उन्हें अल्लाह के कला से अपने लिए जायज़ किया है लॉफुल जायज़ वर्ड्स ऑफ अल्लाह अल्लाह के कला कलम ओ पीपल ए लोगो अल्लाह द माइटी एंड एग्जॉल्टेजेंट टू एवरी वन हिज़ ड्यू शेयर और इन्हेरीटेंस एलोगो बिला शुबा अल्लावी मजीद ने हर किसी का उस वरासत में हिस्सा मुकर किया है एक माइटी एंड एग्जॉल्टवी मजीद और डेंड मुकर किया है एवरी वन हर किसी का ड्यू शेयर हिस्सा इनहेरिटेंस जायदाद में एलोगो बिला शबा अला कविय मजीद ने हर किसी का जायदाद में हिस्सा मुकर किया है वरासत में हिस्सा मुकर किया है ऑल डेप्ट मस्ट बी रिपेड डेप्ट का मतलब क्या होता है कर्जे रिपेड मीन लौटाए जाना तमाम तमाम कर्जे लौटाए जाने चाहिए ऑल बोरोड प्रॉपर्टी मस्ट बी रिटर्न तमाम उधार ली हुई जायदाद वापस की जानी चाहिए गिफ्ट शुड बी रिसप्रोकेटड तहिफ का तबादला किया जाना चाहिए एंड अशोरटी मस्ट मेक गुड द लॉस टू द दश्योर्ड और ज़मीन को उस शक, जमानत दिए गए शख्स का के नुकसान की तलाफी करनी चाहिए शोटी जामिन अशोर्ड जिसे जमानत दी गई हो बर खबरदार नो वन कमीटिंग अ क्राइम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट बट हिमसेल्फ खबरदार हर शख्स अपने गुनाह अप, अपने जुर्म का जिम्मेदार खुद है आ, क्राइम जुर्म कमीटिंग मीन इरतक करने वाला हर शख्स जो गुनाह का अरतक करता है या जुर्म का अरतक करता है वो इसका ज़िम्मेदार खुद है ना इधर द चाइल्ड इज़ रिस्पॉन्सिबल फ़ॉर द क्राइम ऑफ इज़ फादर ना ही बच्चा अपने बाप के जुर्म का ज़िम्मेदार है नॉर इज़ द फादर रिस्पॉन्सिबल फ़ॉर द क्राइम ऑफ हिज चाइल्ड और ना ही बाप अपने बेट, बच्चे के जुर्म का ज़िम्मेदार है स्टूडेंट्स दिज आर सम डिफिकल्ट समिफिकल्ट आई हैव टेकन आउट फ्रॉम द पैसेजेस दैट वी हैव रेड लेट्स रीड दैम यूरियस ड्यूज सूदी रकूम अक्रोइिंग हासिल करना इंटरेस्ट सूद वाइप्ड आउट खत्म करना रिमिट माफ़ करना इनवाइलेबल काबिल एहतराम आंसरेबल जवाब दे कंसर्निंग मुतक और डेंड मुकर करना रिसिप्रोकेट तबादला करना रिस्पॉन्सिबल ज़िम्मेदार शॉर्टी जामिन और अशोर्ड जिसे ज़मानत दी गई हो स्टूडेंट्स अब आपने ये जो हमने ट्रांसलेशन पढ़ी है इस ट्रांसलेशन ये जो हमने चैप्टर पढ़ा है और उसकी उसको ट्रांसलेट किया है आपने इस इन पैसेजेस की जस्ट पीछे से नहीं ये जो पैसेजेस हमने आज जस्ट पढ़े इन पैसेजेस की ट्रांसलेशन लिखनी है और वो ट्रांसलेशन आपका होमवर्क है और उस होमवर्क को आपने स्कूल में सबमिट करवाना है उम्मीद है आपको आज का सबक समझ आया होगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़